2019 के आम चुनाव में मुल्क की आवाम ने अपने 542 नुमाइंदों को चुनकर संसद में भेजा है। नरेंद्र मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुई। इस दफा मोदी लहर में कई दिग्गजों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो लोकसभा में कई नए चेहरे भी पहुंचे। ये वो चेहरे हैं जिनकी पहचान आम नेताओं से अलहदा है। इनमें से कोई पहले से ही नामवर है तो कोई गुमनामी से सीधे संसद तक पहुंचे। जाहिर है इन खास सांसदों पर देश की निगाहें थी, क्योंकि ये सितारे लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर उनके लिए कानून बनाने वाले थे जो सीधे सीधे उनकी जिंदगी से जुड़े थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये सितारे जनता की उम्मीदों की कसौटी पर कितने खरे उतरे। क्रिकेट के मैदान पर लंबे लंबे चौके छक्के लगाकर गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज गौतम गंभीर बड़ी धूमधाम के साथ 22 मार्च 2019 को बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने दो महीने बाद ही 2019 लोकसभा चुनाव में ईस्ट दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया। गंभीर ने 6,95,109 वोट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी और कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को हराया था। गंभीर को महेश गिरी की जगह टिकट दिया गया था। सदन में मौजूदगी की बात करें तो गौतम गंभीर की सदन में उपस्थिति 61% रही है, जो कि ठीक ठाक माना जा सकता है। लेकिन सदन की चर्चा में गौतम गंभीर 3 बार ही शामिल हुए। हालांकि गौतम गंभीर ने लोकसभा में 97 सवाल पूछे। मशहूर सूफी गायक हंसराज हंस बीजेपी के टिकट पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद बने। जलंधर के गांव सफीपुर के रहने वाले हंसराज हंस पंजाब की सियासत में नए नहीं है, लेकिन उनके संसद पहुंचने का रास्ता दिल्ली से खुला है। लेकिन सदन में उनकी उपस्थिति महज 39% ही रही और सदन की चर्चा में हंसराज 4 बार ही शामिल हुए और लोकसभा में महज 15 ही सवाल किए। ये वो माननीय है जिन्हें जनता ने अपने हित के लिए संसद पहुंचाया था, लेकिन इनका रिपोर्ट कार्ड ये बताता है कि ये कितने सीरियस हैं। अपने मशहूर फिल्मी डायलॉग के लिए चर्चित एक्टर सनी देओल पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचे। चुनाव से एन पहले बीजेपी में एंट्री लेने के बाद सनी देओल ने कांग्रेस के दमदार नेता सुनील जाखड़ को हराकर सियासत में अपना डेब्यू किया है। जितना दमदार उनका डेब्यू था, उतना ही खराब सदन में प्रदर्शन रहा। सनी देओल की सदन में उपस्थिति महज 17% ही रही। शायद ही बीजेपी का कोई सांसद इतना कम सदन में उपस्थित रहा हो। फिल्मों में भारी भरकम डायलॉग बोलने वाले सनी देओल की आवाज सदन में महज 4 बार ही सुनने को मिली। जली को आग कहते हैं से लेकर खामोश जैसे फिल्मी डायलॉग के लिए चर्चित शत्रुघ्न सिन्हा भी बंगाल के आसनसोल से लोकसभा के सदस्य हैं। बाबुल सुप्रियो की खाली की गई सीट से उपचुनाव जीते शत्रुघ्न सिन्हा की उपस्थिति लोकसभा में भले ही 63% है, लेकिन सदन के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज खामोश ही रही। चलिए अब बात करते हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी मथुरा से लगातार दूसरी बार सांसद है। अगर उनके 2019 के कार्यकाल की बात करें तो हेमा मालिनी की सदन में उपस्थिति 50% है और सदन की चर्चा में वो 20 बार शामिल हुई हैं। ये तो थे जाने माने सितारे, लेकिन इनके साथ रीजनल फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले कई सितारे भी इस बार सांसद चुने गए हैं। बंगाली फिल्मों की खूबसूरत अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती भी चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंची है। वो अपने विरोधी को करीब 3 लाख वोटों के अंतर से हराकर ममता बनर्जी की पार्टी TMC से सांसद चुनी गई हैं। 30 साल की ग्लैमरस अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2008 में की थी। इससे पहले वो फेमिना मिस इंडिया का हिस्सा रह चुकी थी। वो TV और बंगाली सिनेमा में कई दमदार भूमिकाएं निभा चुकी है। जितना शानदार फिल्मी करियर था, उतना शानदार लोकसभा में मिमी चक्रवर्ती का प्रदर्शन नहीं है। सदन में मिमी चक्रवर्ती की उपस्थिति 30% है और सदन की चर्चा में महज 7 बार ही शामिल हुई। मिमी चक्रवर्ती के साथ TMC कांग्रेस की सांसद के तौर पर राजनीति में अपना डेब्यू करने वाली बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां भी सोशल मीडिया पर छाई हुई है।
नुसरत बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। राजनीति में आने से पहले नुसरत ने मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना सिक्का जमाया। अपनी खूबसूरती के जादू से दर्शकों का दिल जीत लिया और एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी एक्टिंग से फैन फॉलोइंग की एक लंबी लिस्ट तैयार की। लेकिन सदन में उनका भी हाल मिमी चक्रवर्ती जैसा ही रहा। नुसरत जहां की सदन में उपस्थिति 23% ही रही और 12 बार ही सदन की चर्चा में भाग लिया। इन सितारों की ये रिपोर्ट बताती है कि इन्हें अपनी ही फील्ड में महारत हासिल है। ये अपने ही क्षेत्र में धमाल कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में ये फिसड्डी ही साबित होंगे। जनता ने इन्हें अपना रहनुमा बनाया, लेकिन ये रहनुमा सदन से दूर अपनी ही दुनिया में मस्त थे, जो जनता के साथ एक छलावा है और इस छलावे के लिए कहीं ना कहीं सियासी पार्टियां जिम्मेदार हैं, जो ऐसे लोगों को टिकट देकर चुनाव जितवाती हैं और जब माननीय बन जाते हैं तो सदन से गायब ही रहते हैं।